नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते की प्रेडिक्शंस के बारे में। ये प्रेडिक्शन है 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक। तो आइए शुरू करते हैं एरीज से। एरीज के लिए बहुत सुंदर मैसेज है। एरीज के लिए मैसेज आता है कि उनके लिए एक मनी की अपॉर्चुनिटी जो है सामने आ रही है। एक तरह की एनर्जी, एक तरह का मनी फैक्टर जो है उनके लाइफ में उनको दिया जाएगा और अभी उनको जो है बहुत सोच समझ के जो है आगे बढ़ना है। सो दिस अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू यू, यू जस्ट हैव टू डिसाइड, यू जस्ट हैव टू सी व्हाट इज द राइट मूव विच यू हैव टू टेक। तो आपके सामने डायरेक्शंस ओपन है, विच डायरेक्शन यू हैव टू टेक, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। और मनी को लेके जैसे मैंने बताया कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी शो कर रही है इस हफ्ते आपकी, तो देर इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी विच कुड बी कमिंग योर वे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और वो साथ में ये भी बोलता है कि दैट दिस इज गोइंग टू मेक योर लाइफ वेरी स्टेबल। अगर हम लव लाइफ और मैरिज की बात करें तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड कनेक्ट विद योर हार्ट। अगर वो व्यक्ति जो आपको पसंद है, दिस इज़ द टाइम यू शुड अप्रोच दैट पर्सन। अब आपको उस व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए और आपको जो है वो जो सजेशन जो आ रहा है वो आपके गहरे मन से आ रहा है। अगर आप उसको सुनेंगे तो यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दैट पर्सन, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और अगर मैं आपको स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहूँगा तो वो ये है कि दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जब बाहर चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हो रही हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम व्हेन यू शुड ऑल्सो फिक्स अप थिंग्स फ्रॉम इनसाइड। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर स्पिरिचुअल जर्नी, स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट डूइंग योगा, स्टार्ट दिस स्पिरिचुअल जर्नी विच यू हैव बीन अवॉइडिंग फॉर सो लॉन्ग। सो दिस वॉज द मैसेज फॉर एरीज। सो लेट्स मूव ऑन टू टॉरस नाउ। टॉरस के लिए जो मैसेज है वो हमें ये बताता है कि द टाइम हैज़ कम व्हेन यू हैव टू वेक अप, द टाइम हैज़ कम टू वेक अप। ये एक ऐसा वक्त है जब आपको जो है एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ये ऐसा वक्त है कि जब आप सोए नहीं रह सकते। ये ऐसा वक्त है जब आपके जितने भी डिज़ायर्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। दिस इज़ द टाइम टू, अगर हम लव लाइफ या रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो उसमें यही मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद द अदर, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू वांट टू स्पेंड विद योर ओन सेल्फ, दिस इज़ द टाइम टू बी अलोन, दिस इज़ द टाइम टू फाइंड योर सेल्फ। हर वक्त किसी पार्टनर के साथ होना, हर वक्त किसी पार्टनर को खोजना, इस इज़ नॉट रियली अ गुड डील। समटाइम्स द गुड डील इज़ टू बी विद योर ओन सेल्फ, समटाइम्स द गुड डील इज टू इन्जॉय योर ओन कंपनी। This is what the message which is coming for you. और अगर हम बात करें in terms of money, तो उसमें भी कोई एक बहुत बड़ी transformation show करती है। उसमें भी ये show करता है कि that you will be taking a new direction in your life. You will be starting a new work maybe. हो सकता है आपको एक नया काम शुरू करें, हो सकता है आप जो है कोई नई job शुरू करें। कुछ ऐसा show कर रहा है कि पुराना ख़त्म हो रहा है और नया शुरू हो रहा है। और जो spiritual message जो आपके लिए आता है वो है grace. That means whenever you allow yourself and surrender yourself to the grace is going to take care of you. मतलब ये है कि जब आप अपनी will को surrender कर देते हैं, जब आप अपने will को allow कर देते हैं, God की will के साथ जोड़ देते हैं, जब आपकी खुद की कोई choice नहीं रहती है, जब आप allow करते हैं God को आपके through work करने के लिए, that is the time when grace starts happening in your life, when blessing starts happening in your life. तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है टॉरस के लिए कि दिस इज़ द टाइम टू लिव इन दैट ग्रेस। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। जेमिनाई के लिए इस हफ्ते थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट है। जेमिनाई के लिए यही शो करता है कि आप दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी आप जो है आपका फोकस जो है दो में बढ़ जाएगा, उसी वक्त जो है आपकी जो है आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आपकी लाइफ जो है इट विल नॉट बी एबल टू रन इन द स्मूथ वे। सो कार्ड का जो गहरा जो मैसेज है वो ये आता है कि ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन। ये दो के चक्कर में मत पड़िए, यू नो, मेक योर एनर्जी कंसंट्रेटेड एंड फोकस, एंड विद दैट फोकस एंड कंसंट्रेशन यू विल बी एबल टू बी ऑन द राइट पाथ। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ और रिलेशनशिप, उसमें यही शो करता है कि दिस इज़ अगेन इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यू, यू आर स्टिल गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ पेन इन योर लाइफ, एंड द कार्ड सजेस्ट
that it, you also have to look at the brighter side. That means कि जो आपका जो एक अच्छा पीरियड है उसको भी आपको रियलाइज करना है कि विच इज़ वेटिंग फॉर यू टू हैपन. दुख आपकी लाइफ में हो गया, लेकिन दुख के साथ जब तक, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है जितने लंबे आप जो है दुख के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक दरवाज़ा अगर बंद हुआ है तो दूसरा खुला भी है, इस चीज़ को याद रखिए. इन टर्म्स ऑफ मनी थिंग्स आर नॉट सो स्टेबल ऑल्सो है, ओके, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि पूरा वीक ही कुछ ऐसा शो कर रहा है कि चीज़ें जो हैं थोड़ी सी जगलिंग हो रही हैं, और चीज़ें जो हैं दे आर नॉट रियली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि आपका फोकस जो है स्कैटर्ड है. तो जिसकी वजह से अगर इन टर्म्स ऑफ मनी भी बोलें तो वहाँ पे कन्फ्यूजन शो करती है. तो उस मामले में यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग अहेड विद इन टर्म्स ऑफ मनी और जॉब और एनीथिंग. और अगर हम स्पिरिचुअल मैसेज की बात करें तो स्पिरिचुअल मैसेज जो है जो आपके लिए आता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस विद पीपल अराउंड. हम बहुत आराम से जो है जो आसपास के जो हमारे लोग होते हैं हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम उनके साथ जो है अटैच हो जाते हैं, हम जो वो कर रहे होते हैं वो ही करना शुरू कर देते हैं. तो जो डीपर स्पिरिचुअल मैसेज है कि दैट यू हैव टू फॉलो योर ओन जर्नी, दैट यू हैव टू फॉलो योर ओन लाइफ, and that is how you're going to be on the right track of life. So next message is for the cancer. Let's see what is coming up for the cancer. Ke cards bahut acche aaye hain. Cancer ka sabse pehla jo message hai wo ye ki that you are learning the lessons of life. Ki aap apne life se jo hai lesson, aapki life mein jo aapki jo past hai usse aap seekh rahe hain, and this is giving you wisdom and experience and maturity, जो कि आपको जो है आपकी लाइफ को स्टेबल बना रहा है और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ अगर बात करें, लव लाइफ या फिर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, और प्रॉब्ली यू आर एंगेज्ड और समथिंग. दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर अबाउट टू गेट मैरिड. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद पीपल. तो बहुत पॉजिटिव शो करता है कि और जैसा कि मैंने पहले बोला कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम. अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है. ये आने वाला हफ्ता जो है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एनर्जी शो करती हैं इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद समवन. अगर हम मनी की बात करें तो इसमें यही शो करता है कि दैट देर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी विच कुड पॉप आउट एज अ सरप्राइज. एक सरप्राइज की तरह एक अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने आ सकती है, एंड यू जस्ट हैव टू वॉच फॉर इट. जब ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आए, मेक श्योर यू टेक इट सो दैट इट इज़ गोइंग टू गिव यू दिस बेनिफिट. अगर हम स्पिरिचुअल मैसेज की बात करें तो उसमें आपके लिए मैसेज आता है कि जब हम स्पिरिचुअल यात्रा पे चलते हैं, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, तो ऐसी स्टेज आ जाती है, ऐसा वक्त आ जाता है जब हम अपनी ईगो हमें पता नहीं चलता और हम ईगो के साथ जो है अटैच हो जाते हैं. जो सारी स्पिरिचुअल जर्नी है दिस इज़ ऑल अबाउट गिविंग अप योर ईगो. It's all about, you know, rising above your ego, leaving your ego behind and start living with the ego of God. God ki ego se mera yehi matlab hai ki aap apni marzi ko jo hai beech mein nahi laate, ab aap Bhagwan ki marzi ke saath chalte hain. Aur isme bas ek hi aapke liye jo message hai wo ye ki ye jo ek beautiful opportunity aapki life mein aa rahi hai jiske andar aapki spiritual jo hai journey jo hai wo develop ho rahi hai, isko allow kariye, isko grow hone dijiye, इसको मैच्योर होने दीजिए. दिस इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू. सो नेक्स्ट मैसेज इज़ फॉर लियो. लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है. लियो के लिए भी बहुत सुंदर मैसेज आता है. लियो के लिए मैसेज है अबंडेंस का, कि दिस वीक कुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल वीक इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में जो एक ऐसी स्टेज शो करती है जहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन है, जहाँ पर एक तरह की रिलैक्सेशन है, जहाँ पे आप जो चाहते थे वो आपकी लाइफ में फाइनली वो घट रहा है. इट लुक्स लाइक अ ड्रीम बट फाइनली इट इज़ हैपनिंग, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेज. उसी से कनेक्टेड जो है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, तो उसमें यही शो करता है कि जिस जो भी आप चाहेंगे इस मैटर में वो आपके साथ हो जाएगा. अगर इस वक्त जो है आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, बोथ आर पॉसिबल. अगर आप रिलेशनशिप किसी के साथ जो है गड़बड़ हुआ है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम टू मेंड इट बिकॉज यू हैव दैट एनर्जी विद यू. और
अगर हम बात करें मनी की, मनी के मामले में अगेन यू हैव दीज ऑप्शंस विच आर फ्रंट ऑफ यू, विच आर ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल दीज ऑप्शंस आर ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं कार्ड के अकॉर्डिंग देखूँ तो उसमें तीन ऑप्शन शो करती हैं जो आपके सामने हैं। इन तीन ऑप्शंस में से जो आपके लिए बेस्ट है वो आप चूज़ कर सकते हो। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर, सो मेक श्योर यू टेक देम। इन टर्म्स ऑफ अगर स्पिरिचुअल मैसेज बात करें तो उसमें ये मैसेज आता है कि जब भी चीज़ें आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा हो जाएंगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। द डीपर मैसेज ऑफ द कार्ड, जो डीपर मैसेज है इस कार्ड का, वो ये कि यू नो हैंडल थिंग्स वन बाय वन, ट्राई नॉट टू यू नो गैदर टू मैनी थिंग्स टुगेदर। एकदम से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे मत करिए, एकदम से बहुत सारे काम इकट्ठे करने की कोशिश मत करिए। गो स्लो एंड टेक द स्टेप्स अकॉर्डिंगली, एंड इन दिस वे योर लाइफ विल हैव नो कन्फ्यूजन। नेक्स्ट है वर्गो, लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वर्गो के लिए मैसेज आता है कि दैट दे आर एट अ स्टेज वेयर लॉट ऑफ कम्प्लीशन इज हैपनिंग इन द लाइफ, कि बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी लाइफ में कम्प्लीट होती हुई दिख रही हैं। तो एक ऐसा पीरियड जहाँ पे आप जो है हमेशा से चाहते थे, एक ऐसी स्टेज अपनी लाइफ की जो आप अचीव करना चाहते थे, वो शो करता है। एक प्रोसेस जो आपने अपनी लाइफ का शुरू किया था, वो शो करता है कि दैट प्रोसेस इज कम्प्लीटिंग, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, आपके लिए यही मैसेज आता है कि आप जो है, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप यू नीड टू स्लो डाउन। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू बी विद द राइट पर्सन, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू बी देयर, यू नीड टू सिट विद दैट पर्सन एंड मेक श्योर योर लाइफ इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके अंदर हमें यही मैसेज आता है कि दैट यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज थिंग्स आर वेरी स्टेबल, थिंग्स आर ओके। आपने जो है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है एक ऐसी स्टेज पे आप पहुँचे हो जहाँ पे मनी इज़ वेरी स्टेबल इन योर लाइफ, और आने वाले टाइम में वो स्टेबल ही शो करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। नेक्स्ट राशि है लीब्रा, लेट्स सी लीब्रा के लिए क्या मैसेज है। लीब्रा के लिए मैसेज आता है कि किसी चीज़ में आपने जो है इन्वेस्ट करा है अपना टाइम या एनर्जी, एंड फाइनली एक ऐसी स्टेज आ रही है कि वेन यू आर एक्चुअली एबल टू कम आउट ऑफ इट स्लोली, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो अब तक यही था कि आप जो था, अब तक यही था कि आपकी एनर्जी जो थी वो फंसी हुई थी किसी चीज़ के अंदर, एंड यू वर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। बट नाउ द टाइम इज़ कमिंग वेयर यू विल बी एबल टू रिलीज दैट एनर्जी, एंड यू विल बी एबल टू बी फ्री ऑफ दैट एनर्जी, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और उसी से रिलेटेड जो है आपका जो लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज आता है वो ये कि जो आपकी जो एनर्जी जो फंसी हुई थी, जिसके अंदर जो आपकी जो वाउंडिंग थी, जो आपको जो हर्ट हुआ था इन टर्म्स ऑफ लव और रिलेशनशिप, अब आप धीरे धीरे उससे बाहर आ रहे हैं, एंड यू हैव स्टार्टेड सीइंग द गुड साइड, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइन फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ मनी, थिंग्स आर नॉट सो स्टेबल, बट मैं उसमें यही बोलना चाहूँगा कि आपकी थोड़ा फोकस की ज़रूरत है, थोड़ा फोकस करते ही चीज़ें जो हैं अपने ट्रैक में वापस आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है स्कॉर्पियो, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो के लिए मैसेज आता है कि दैट कि उनको जो है थोड़ा सा अपने दिल की सुननी चाहिए, थोड़ा सा कुछ ऐसे काम करने चाहिए जहाँ पे जो है उनको, जो कि थोड़े इलॉजिकल हो, जिसका कोई सेंस ना बनता हो, थोड़ा सा अटपटा लगेगा इसका, लेकिन सिंपली ये मतलब है कि जब आप अपने भीतर के बच्चे को सुनते हैं, जो आपके भीतर की जो इनोसेंस है जो आपके अंदर बैठी हुई है, जब आप उसको सुनना शुरू करते हैं, तो उसके कारण जो है आपकी लाइफ में बहुत सारी जो है हीलिंग होती है। आपकी आपको जो है कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं जो कि पहले नहीं दिखी थी। सो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यू, इट्स अ वेरी गुड ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। रिमेंबर योर चाइल्ड विच इज़ सिटिंग इनसाइड ऑफ यू। इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम शो करता है। उसमें यही शो करता है कि कुछ रिलेशनशिप है जिसके अंदर जो है कुछ गड़बड़ के साइन जो है शो करते हैं। It is just showing that it is not a right time to take action at the moment. जितना चीज़ों को शांत रखेंगे, जितना चीज़ों को रिलैक्स रखेंगे, उतना आसानी से जो है आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, चीज़ें थोड़ी सी इफेक्टेड हैं लेकिन इतनी स्ट्रांगली नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए ये शो करता है कि हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए आप जो है इन टर्म्स ऑफ मनी जो है थोड़ा सा एक डिप शो करता है। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अगर आप जो है अपने ऊपर यकीन रखेंगे, तो बहुत जल्दी इससे भी बाहर आ पाएंगे। तो अब देखते हैं सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सैजिटेरियस के लिए मैसेज है कि उनकी लाइफ में
फाइनली एक फोकस और एक कंसंट्रेशन उनकी लाइफ में आ रहा है, एक तरह की कंसिस्टेंसी उनकी लाइफ में आ रही है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइन, जिसका ये मतलब है कि उनकी जो स्कैटर्ड एनर्जी थी वो स्कैटर्ड एनर्जी जो है उनके पास जो है वापस आनी शुरू हो गई है, जिसके कारण वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, देख पाएंगे अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ को जो है एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप उसमें यही बोलते हैं कि दिस इज़ अगेन अ टाइम विच यू शुड गिव टू योर ओन सेल्फ, दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, वहाँ पे दुख और तकलीफ़ आपको मिलेगा। कोशिश यही करिए कि अगर अंदर से कुछ इच्छा है, अगर आप चाहते हो कुछ अपने पार्टनर के साथ शेयर करना, उसमें कार्ड में यही मैसेज आपके लिए आ रहा है कि दिस इज़ प्रॉब्ली नॉट द राइट टाइम, अगर हो सके तो ये टाइम जो है अभी आप अपने साथ रहिए, कुछ टाइम अपने आप को दीजिए, चीज़ें बदलेंगी तो देन प्रॉब्ली यू कैन अप्रोच योर पार्टनर। और इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम बोलें तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मनी इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ, एंड इसमें ये भी शो करता है कि दैट यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर मेकिंग योर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्ग, यू आर मेकिंग योर प्रेजेंस मोर स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ वर्क, जिसके कारण जो है मनी आपकी लाइफ में जो है आना शुरू कर गया है, एंड इट इज़ गोइंग टू ग्रो ईच एंड एवरी डे, सो कीप इट अप सजिटेरियस। नेक्स्ट है कैप्रिकॉन, लेट्स सी कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेज है। कैप्रिकॉन्स के लिए मैसेज आता है कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू बी केयरफुल, दिस इज़ द टाइम जब आपके पास कुछ कोई वैल्यूबल कोई चीज़ है जो शो करता है, या फिर कोई वैल्यूबल इमोशन या कुछ वैल्यूबल ऐसा कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ, तो वो वैल्यूबल जो है वो जो शो कर रहा है उसमें यही हमें मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक तरह का सिचुएशन शो करता है कि दैट यू माइट गो इनटू अ लॉस ऑफ मनी, बिकॉज किसी चीज़ कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई स्कैम करने की कोशिश करे, कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे, एंड ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये व्यक्ति जो है आपके करीबी हो। कैप्रिकॉर्न के लिए ये मैसेज आ रहा है बी केयरफुल। इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप इट शोज़ अ वेरी गुड स्टडी टाइम, उसमें यही शो करता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग शो करता है। दिस इज़ ऑल्सो टाइम व्हेन वी कैन से दैट यू आर हैप्पीली मैरिड, यू आर सेटल्ड इन योर लाइफ विच इज़ वेरी गुड, एंड यू आर वेरी फोकस्ड, जो कि मैरिज के लिए आपकी बहुत अच्छा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग योर वे, एंड आपको मनी को लेकर जो है कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव बीन टेकन केयर, यू हैव बीन ब्लेस्ड इन दैट वे। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज ऑफ एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए मैसेज आता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब भी आप कुछ नया शुरू करें तो बीच शुरू में जो है तकलीफ़ें और मुसीबतें आती हैं, लेकिन आपको जो है कार्ड के अंदर जो गहरा मैसेज आ रहा है वो ये कि डोंट लूज़ योर हार्ट, कि शुरुआत में चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, शुरुआत में जो है समटाइम्स द प्रोसेस टेक्स टाइम, तो जो प्रोसेस अभी जो चल रहा है आपका इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, लेकिन अगर आप अपने आप को अगर आप ग्रो करते रहेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप देखेंगे यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, और आप देखेंगे आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप उसमें मैसेज हमारे लिए यही आता है कि दिस इज़ द टाइम टू सेटल डाउन, दिस इज़ द टाइम जब आप बहुत ज़्यादा जो है बाहर के लाइफ जो है आपने एक्सप्लोर कर लिए, दिस इज़ द टाइम इफ़ यू कुड जस्ट कम बैक इन टू योर सेल्फ एंड स्टार्ट अ जर्नी विच इज़ इनसाइड ऑफ यू, दिस इज़ द टाइम टू सेटल डाउन, दिस इज़ द टाइम टू बी विद समवन। इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम देखें तो मनी वाइज भी जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शो कर रही हैं, इसमें यही शो कर रहा है कि अगर जिसमें भी आप अपनी एनर्जी डालेंगे उसमें सक्सेस आपको मिलेगा, उसमें आपको जो है जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी, जो आप जिस रिज़ल्ट की, वो रिज़ल्ट्स जो हैं आपको इस एक्शन से आपको मिलेंगे। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू डिसाइड दैट दिस इज़ द डायरेक्शन विच यू वॉन्ट टू टेक। एक बार ही वो डायरेक्शन आपने चूज़ कर ली, फोकस आपके अंदर आ गया, कंसंट्रेशन आपके अंदर आ गई, तो आप देखोगे वो आप अचीव कर लोगे और आपको यू आर गोइंग टू हैव गुड सक्सेस। एंड फाइनली बात करते हैं पाइसिस के लिए क्या मैसेज है। पाइसिस के लिए यही मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल था, उनके लिए मैसेज आता है प्रॉस्पेरिटी का, कि उनके लिए, और प्रॉस्पेरिटी में उनके लिए वेल्थ, गुड फॉर्च्यून, सक्सेस,
ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं शो करती हैं। तो जो कि बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, लेकिन जब प्रोस्पैरिटी आपकी लाइफ में आए, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड बी एबल टू गिव अ डायरेक्शन टू इट। अगर एकदम से अगर मनी अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एकदम से आपकी एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो डिज़ायर्स आपके अंदर बैठे हैं वो इस एनर्जी को यूज़ करना चाहते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट बिफोर मनी कम्स टू योर लाइफ यू शुड बी फोकस्ड, यू शुड बी डिसाइडिंग विच डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर यू। क्योंकि उस मनी को डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मनी को डायरेक्शन देने से आपकी लाइफ के अंदर जो है एक पीसफुलनेस, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप बात करें तो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड बी वेरी केयरफुल। इसमें कुछ ऐसी शो करता है कि देर आर चॉइसेस विच आर इन फ्रंट ऑफ यू, और एंड वेन एवर दीज चॉइसेस आर देयर, जब भी ये चॉइसेस हमारे सामने होती हैं और जब ऐसा समय आता है कि जब आपके लिए डिफ़िकल्ट है चूज़ करना, उस वक्त जो है आप रुक जाइए, उस वक्त कुछ मत चूज़ करिए, उस वक्त अलाउ करिए चीज़ों को होने के लिए। लेट द चॉइस वॉक टूवर्ड्स यू। आप चॉइस के पास मत जाइए, चॉइस को अपने पास आने दीजिए, एंड देन यू विल सी दैट इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ टाइम फॉर यू दैट द प्रोस्पैरिटी इज़ हैपनिंग टू यू, दैट द मनी इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। एंड ऑल इज़ इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट इज दैट यू हैव टू गिव योर money a direction, and with that direction your life will be beautiful. So this was the weekly prediction for you, and we covered from 26th July to 1st of August. Hope you enjoyed the reading, and I will see you in my next one. Thank you so much for watching. Namaste.